हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स। जैसा कि मैंने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोगों को बताया था कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब जो है वो इसी वीक पे जैसे नेक्स्ट वीक पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और इसमें बहुत बड़ी चेंजेस हैं। इसमें पेपर्स की सिलेबस में वो भी मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा और जो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि करीब है जॉब आने वाली है, एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक के एडवर्टाइजमेंट में आ जाएंगे, नेक्स्ट वीक के एडवर्टाइजमेंट में आ जाए। कल ये खबर जो है वो मैंने आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताई थी और आज जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अपकमिंग जॉब में अपलोड हो गई है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में या आप लोगों को ऐसी अपडेट्स दूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए डेट गुजरने से पहले पहले। और जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप डेट गुजरने से पहले अप्लाई कर सकें और टेस्ट की डेट आने से पहले उसकी तैयारी कर सकें। तो चलिए मैं आपको डिटेल पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम अपकमिंग जॉब में आए तो यहाँ पे देखें टॉप पे तहसीलदार की 58 पोस्ट हैं और नायब तहसीलदार की जो है वो 164 पोस्ट हैं। अब आ जाएंगे इसका पेपर किस तरह का होगा, क्या क्राइटेरिया है इसका, वो मैंने पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कल शेयर कर दी थी, वो भी मैं आप लोगों को देख ली होगी। यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होगा। जो तहसीलदार है पहले इसके चार पेपर होते थे लेकिन अभी जो है वो चेंज कर दिया, पहले इनका इंग्लिश का पेपर होता था, उर्दू का पेपर होता था और रेवेन्यू लॉ जो है रेवेन्यू एक्ट और रेवेन्यू लॉ जो है उनसे रिलेटेड एक पेपर होता था और एक पेपर जनरल नॉलेज का होता था। अभी जो इसमें प्रोग्रेस हुई है, जो इसमें चेंजेस आई हैं वो ये है कि जो तहसीलदार का पेपर है वो अब सिर्फ दो पेपर होंगे, पहला पेपर जनरल नॉलेज का होगा और दूसरा पेपर जो है वो रेवेन्यू लॉज से रिलेटेड होगा, लैंड लॉज से रिलेटेड। सिर्फ दो पेपर पास करके आप तहसीलदार बन सकते हैं और तहसीलदार की पोस्ट का क्या वैल्यू है, क्या टैकेश है वो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अपनी तहसील में तहसीलदार देखे होंगे कि उनकी जॉब की क्या वैल्यू है। इसके अलावा ये 164 पोस्ट जो है वो नायब तहसीलदार की हैं। नायब तहसीलदार जो है ये भी बहुत अच्छी जॉब है, ये भी आप प्रमोट होकर तहसीलदार ही बनेंगे। ये जो आप लोगों ने देखा होगा जिम्मेदारों के जो जमीनों के मामला हैं उनकी ये कोर्ट लगाता है, नायब तहसीलदार जो है जो इनके केसेस सुन के फैसला करता है, जो रेवेन्यू के केसेस होते हैं उनको ये सुन के फैसला करता है। अब जो नायब तहसीलदार का पेपर है ये सिर्फ सिंगल पेपर एमसीक्यूज होगा जनरल नॉलेज का, जैसा कि सिंगल पेपर सिस्टम का होता है एमसीक्यूज जनरल नॉलेज, सेम उसी तरह का नायब तहसीलदार का पेपर होगा। ये आप लोगों जिन्होंने वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी की हुई है उनके लिए इजी मौका है, आसान मौका है कि आप नायब तहसीलदार इजिली सेलेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा ये सीट जो है वो 164 सीट्स हैं, बहुत ज्यादा सीट्स हैं, आपके लिए अच्छा मौका है सिलेक्ट होने का। और तहसीलदार के लिए भी तैयारी कीजिए क्योंकि जब आप नायब तहसीलदार की तैयारी करेंगे उसमें एक पेपर तहसीलदार का हो जाएगा, दूसरा पेपर तहसीलदार का आपको अलग से करना पड़ेगा। तो दोनों पेपर अगर आप पास कर जाते हैं तो आप तहसीलदार हो जाएंगे, अगर सिंगल पेपर पर अप्लाई करके आप नायब तहसीलदार पर करते हैं तो आप नायब तहसीलदार हो सकते हैं। नायब तहसीलदार का जो स्केल है वो 14 है और तहसीलदार का जो स्केल है वो 16 है, लेकिन दोनों बहुत अच्छी सीट्स हैं। तहसील लेवल पे लोकल गवर्नमेंट की एक समझ लें कि तहसील के ये टोटल हेड होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद जो है वो तहसीलदार ही पूरी तहसील का मालिक होता है समझ लें। तो ये जो मैंने आप लोगों को कल अपडेट बताई थी तो सोचा मैंने आप लोगों को अपडेट कर दूं। इन जॉब से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इसका डाटा जो है वो मैं कंपाइल कर रहा हूँ,
इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को वो डाटा भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जिन जिन को जो डाटा चाहिए हो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें अपना ईमेल एड्रेस, ताकि मैं उस ईमेल एड्रेस पे भेज दूं। और दूसरी मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सएप में जो ईमेल एड्रेस भेजते हैं कि ईमेल कर दें, तो वहां पे मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरा मोबाइल कुछ दिन पहले चेंज हुआ है, मोबाइल में पास चीजें नहीं है, जबकि मेल में पड़ी होती है, लैपटॉप से मैं वहां से जिन जिन लोगों ने मुझे की होती है कमेंट में अपनी ईमेल एड्रेस जो प्लेस किए होते हैं उनको वहां से ईमेल कर देता हूँ। जो दोस्त मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैं भी सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट की जॉब में आया था और सुबह 5 से 6 बजे तक मैं खुद ऑफिस में होता हूँ, उसके बाद जाके शाम को मैं अपने ये चैनल को टाइम देता हूँ थोड़ा बहुत, और जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं वहाँ पे वीडियो के नीचे उनको मैं वहाँ पे जो डाटा चाहिए होता है वो मेल करता हूँ। तो आप लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट किया करें, पहले ये सीन था कि कहीं भी कमेंट करते थे मेरे लिए मैं कर देते थे क्योंकि लोगों के कमेंट्स जो है वो पहले कम थे, अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लोगों के कमेंट्स भी ज्यादा आ रहे हैं, मैसेज भी ज्यादा आ रहे हैं, ईमेल्स भी ज्यादा आ रही हैं और नंबर ऑफ जॉब जो है हर जॉब पे अलग अलग से कमेंट्स हैं, तो इसलिए मुझे हर एक को देखना पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस वीडियो जिस पोस्ट का आप लोगों को डाटा चाहिए वो आप उसी के नीचे कमेंट करें, उसी के नीचे कमेंट करें और बता दें पोस्ट का मुझे इस पोस्ट का डाटा चाहिए और वो मैं आपको एक दिन नहीं हो सकता, अमूमन वीकेंड पे अगर मैं गांव चला जाऊं तो वहां पे मैं नहीं भेज सकता, लेकिन कोशिश होती है कि शाम को ऑफिस के बाद जिन जिन लोगों के मेल एड्रेस हुए आए होते हैं वहां से मैं देखता हूँ, जिनके नोटिफिकेशन में मेल एड्रेस आए होते हैं वहां ये देखें, जिनके कमेंट्स या मेल एड्रेस आए होते हैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ या उनको ईमेल कर देता हूँ। ये देखें पहले जिन्होंने ईमेल एड्रेस जो हमारे पोस्ट किए थे उनको मैं मेल कर चुका हूँ। अभी अगर आप लोगों को डाटा चाहिए हो किसी भी पोस्ट का आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, अगर आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं तो आप ये जरूर बताएं कि आपको कौन सी पोस्ट का चाहिए, सिस्टम का चाहिए, कौन सा चाहिए, अगर नायब तहसीलदार का चाहिए तो वो भी आप काइंडली मेंशन जरूर कीजिए ताकि मेरे लिए इजी हो, आपको रॉन्ग डाटा ना जाए, ताकि आपका टाइम भी गया हो पढ़ने में और बाद में आप लोगों के लिए भी मसला बने। तो बेहतर होगा अगर आप पोस्ट का मेंशन करेंगे तो मैं आपको आपसे रिलेटेड ही डाटा भेजूंगा और ईमेल करूंगा। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, जिस वीडियो के नीचे जिस पोस्ट का डाटा चाहिए उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पंजाब पुलिस का डेस्क है पीपीएससी के थ्रू उसका आपको मैंने काफी दिन पहले बता दिया था कि वो 4 अक्टूबर को डाटा एंट्री ऑपरेटर का डेस्क होगा, लेबर ऑफिसर का होगा, वो ये 4 अक्टूबर को अरेंज हो गए जैसा कि मैंने बताया था। हालांकि पीपीएससी ने अभी डेट जो है वो अनाउंस नहीं की थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था और मैंने बताया था कि असिस्टेंट का जो पुलिस का है वो 18 अक्टूबर को होगा, ये आप लोग चेक कर लें 18 को होगा, अभी डेट पीपीएससी पर नहीं आई लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 18 तारीख को होगा। और ये जो तहसीलदार नायब तहसीलदार की पोस्ट है ये भी आज आई है अपकमिंग में, जबकि मैंने आप लोगों को कल ही इसके बारे में बता दिया था क्योंकि मेरे वहां पे लिंक्स हैं उनसे पता कर लेता हूँ, तो बेहतर समझता हूँ कि आप लोगों को बता दूं आप लोग उसकी टाइम पे तैयारी कर सकें और पेपर्स के लिए क्वालिफाई कर सकें। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूं। और एंड पे मेरी अगेन वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब्स का आप लोगों को बताता हूँ, उससे रिलेटेड जो मटेरियल उसकी तैयारी के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए तो वो यहाँ आप लोगों के लिए अपडेट करता हूँ, और जो यहाँ पे किसी को कोई डाटा चाहिए होता है एग्जाम के लिए वो भी मैं आप लोगों को ई मेल पे भेजता हूँ। तो बेहतर है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी और आप लोगों को भी फायदा होगा, आप लोगों को मतलब का जो मटेरियल है वो टाइम पे मिल जाएगा उसकी डेट गुजरने से पहले पहले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में,
तो कोई आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू। Update.